फूड अथॉरिटी का शालीमार टाउन में आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। बिग बाइट, कुल्फा एंड आइसक्रीम फैक्ट्री सील। 1000 लीटर आइसक्रीम तल्फ कर दी गई। फैक्ट्री की मशीनरी भी जब्त की गई है। मजीद जानते हैं इमरान मलिक से। इमरान मलिक बताइए। बिल्कुल, डी फूड अथॉरिटी की 5 मेंबर की सप्लाई में आइसक्रीम फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। नाकिस इंतजाम शालीमार टाउन में वाकया बिग बाइट कुल्फा एंड आइसक्रीम फैक्ट्री सील की गई है। 100 लीटर आइसक्रीम तलब की गई है और 1000 लीटर आइसक्रीम, 50 पैकिंग रोल्स, 2 चिलर, 2 पैकिंग मशीनें, 2 फ्रीजर और 2 कैंडी मशीनें जब्त कर ली गई हैं। जबकि इसके साथ साथ डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मोहम्मद का कहना है कि वेजिटेबल ऑयल, ज्यादा मियाद रंगों, फ्लेवर्स और गैर मेरी स्किम मिल्क के इस्तेमाल पर फैक्ट्री को सील किया गया है। सबका हदायत की खिलाफवर्जी, प्रोडक्ट लेबलिंग नामुकमल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। बगैर हलाल सर्टिफिकेट के कानून तौर प्रोडक्ट पर बिल्कुल लागू किया जाता है। जबकि जिंक आलू सांचों के इस्तेमाल, स्टोरेज के इंतहाई नाकिस इंतजामात और आइसक्रीम को जमीन पर रखा पाया गया है। इरफान मोहम्मद का कहना है कि बच्चों के खाने पीने की अशिया में नाकिस अज़ा की मिलावट करने वालों के कारोबार खत्म कर दिया जाएगा और खाने पीने की अशिया के मयार पर किसी किस्म का भी समझौता नहीं किया जाएगा। डी फूड अथॉरिटी का कहना है कि खुराक तैयार करने वाली फैक्ट्रियां और यूनिट्स पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाए। जी शुक्रिया इमरान मलिक।